यही फल को पहले पसंद करेगा कस्टमर, 3 साल की उम्र में पूरा पूरा इन्वेस्टमेंट रिटर्न आ जाएगा। जून का महीना में आप देख सकते हैं छोटा 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 फल। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपको जो दिखा रहा है वियतनाम जो बारहमासी जैक फ्रूट है वो वैरायटी हकीकत क्या है, हम इसका पहले हकीकत के ऊपर बहुत सारे वीडियो दिया है जो हकीकत में बारहमासी है कि नहीं, साल में कितना बार फल देता है। आज आपको लाइव प्रूफ हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। आज 3 जून है, हम आपको दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। ये देखिए आज 5:08 हुआ है और 3 जून है आज का डेट आप देख सकते हैं। तो आज का डेट में आप पूरा इंडिया में कहीं पे भी आप देखिए ज़्यादातर जगह में फल या तो पक गया है या पकने वाले हैं या फिर सब्जी में सब्जी का तरह इस साइज का या फिर इससे भी बड़ा साइज का फल आप पूरा इंडिया में कहीं पे भी देखिए सभी जगह में सब्जी का तरह फल आप अभी देख पाएंगे। और आगे आज से जुलाई अब जून में है ना, जुलाई अगस्त में जाके आप सब्जी के लिए जो कटहल है वो मिलेगा ही नहीं, हो सकता है कोल्ड स्टोर का मिले, नहीं तो पेड़ से काट करके आप फल दिखा नहीं पाएंगे। ये जो आप फल देख रहा है ये सब्जी के लिए पूरा परफेक्ट फल है और इस फल का साइज आप देखेंगे तो लगभग 5 से 5.5 किलो का फल होगा ये। ओके, इस साइड का ये भी फल आप देखेंगे तो ये भी सब्जी के लिए फुल्ली रेडी फल है। ये जो पेड़ है लगभग 3 साल के आसपास इस पेड़ का उम्र है और इसी पेड़ में आप देखिए इसका पहले तो 2-3 फल हम हार्वेस्ट कर चुका है खाने के लिए, उसका बाद में भी देखिए 5 किलो करके भी हिसाब देखेंगे तो 3-6 फल है, 30 kg के आसपास इसमें फल अभी है जो हार्वेस्टिंग लायक है। 1 एकड़ ज़मीन में लगभग 250 से 300 पेड़ लगता है, 300 पेड़ में आप 30 किलो का हिसाब से भी कैलकुलेशन करके देखिए कितना ज़्यादा फल होता है 3 साल की उम्र में, पूरा इन्वेस्टमेंट रिटर्न आ जाएगा इतना आपका कैलकुलेशन में आएगा। तो आप भी देखिए जो फल हार्वेस्टिंग लायक फल आप देख पा रहे हैं ये आधा मैच्योर फल भी आप देख सकते हैं इधर, साथ में देखिए इधर नया करके फ्रूटिंग चालू हो गया है आप देख सकते हैं। हम एक नहीं इस साइड में आप देखेंगे तो बहुत ही छोटा 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 फल आया हुआ है, हम और भी एक दो पौधे हम दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। देखिए ये जो फल इसमें नया करके नया फ्लोरिंग हम आपको दिखाएंगे, देखिए नया फ्रूटिंग चालू हुआ है इसमें। ये जो फल है ये फल लगभग अगस्त सितंबर तक सब्जी का लायक होगा ये जो फल है। ओके, हम साइड का और एक पेड़ है उसमें दिखाएंगे, काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग आया हुआ है। और एक प्लस पॉइंट आपको दिखा रहा है ये है कमर्शियल वैरायटी, कमर्शियल फ्रूटिंग इसमें आता है। ये आप कोई भी ट्रेडिशनल जो भी आपका खेत है जिसमें आप नॉर्मली खेती करते ट्रेडिशनल फार्मिंग करते वो सभी फार्म में ये पौधे लगा सकते हैं। क्या है देसी पौधे आप कोई भी खेत में लगाएंगे तो क्या होगा, बहुत बड़ा पेड़ होगा, आपका आसपास का जो भी खेत वाला होगा फार्मर होगा वो आपको कंप्लेन करेगा जो उनका खेत में छाव जा रहा है उनका फल खेती अच्छा से नहीं हो पा रहा है, पर इसमें कभी भी कंप्लेन नहीं कर सकेगा। दूर से देखेंगे तो आप इसमें कोई भी फल नज़र आएगा, आप देखिए दूर से देखेंगे तो इसका अंदर कोई भी फल आपको नज़र नहीं आएगा, इसके लिए प्लस पॉइंट है चोरी से बच जाएगा। इसका क्या होता है चारों तरफ इतना अच्छा ब्रांच बन जाता है, इतना अच्छा पत्ते इतना अच्छा बन जाता है जो अंदर फल आता है, इसका अंदर फल आएगा तो बाहर से आप देख नहीं पाएंगे, तो फल सेफ्टी रहेगा। एक धूप से बच जाएगा, फल का कलर अच्छा रहेगा, कलर कभी भी घटेगा नहीं। दूसरी जो है चोरी से बच जाएगा, जनवरी में एक बार तोड़ाई हो चुका है। ओके, उसका बाद ये फल आया है, ये फल हम और एक महीना पहले तोड़ लेता तो ना अब तक पौधा फल इतना साइज़ का फल इसमें बन जाता था जो इस पेड़ में हुआ है वो हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये जो पौधे हैं इसमें फल जो आया था वो हम तोड़ लिया था लगभग मई का फर्स्ट वीक, अप्रैल का लास्ट में या मई का फर्स्ट में हम इसमें से फल तोड़ा था, इसीलिए देखिए इसमें फल बन रहा है। देखिए कितना सारा फल इसमें, जो भी फल था हम 2 बार हार्वेस्टिंग, एक बार जुलाई में जनवरी में किया है, एक बार किया है अप्रैल का लास्ट में किया है, फिर से देखिए नया फ्रूटिंग इसमें चालू हो गया है। जून का महीना में आप देख सकते हैं छोटा 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 फल आना चालू हो गया है, आप देखिए कितना सारा फल इसमें आ रहा है, देखिए कितना अच्छा फ्रूटिंग इसमें चालू हो गया। जो आप कोई भी
कोई भी वैरायटी में आप नहीं देख पाएंगे इस टाइम पे इतना फ्रूट सेटिंग। फ्रूट सेटिंग आपको दिखाएंगे तो आपको आपका पूरी चौक जाएंगे। देखिए एक फल सेटिंग हुआ है, इधर फल सेटिंग हुआ है, आप ऊपर से नीचे तक पूरा फल भरा हुआ है। तो हम दिखाने के लिए एक एक करके दिखाएंगे। अब देखिए इधर भी फल सेटिंग हुआ है, आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक। ऊपर में भी बहुत सारी जगह में फल सेटिंग हुआ है, अंदर अंदर सभी फल सेटिंग हुआ है। जो आप बताइए जून का महीना में कभी भी आपका कटहल का पौधा में फल सेटिंग नहीं हो पाता। देखिए इस साइड में देखिए ये है फल सेटिंग हो रहा है। अब इधर देखिए तो छोटा सा फल सेटिंग हो रहा है। अंदर देखेंगे तो देखिए उधर देखिए वो एक ये जो देखिए ये वाला ये जो है फल सेटिंग हो रहा है। ओके तो हम कितना फल सेटिंग आपको दिखाएंगे। इसका अंदर पूरा फलों से भरा हुआ है। इसका अंदर इसका स्पेशलिटी वही है, बाहर से कुछ नहीं देख पाएंगे। बाहर से लगेगा इसमें फल है ही नहीं, जंगल बना के रखा है, ठीक है। पर अंदर अंदर देखेंगे तो फल से भरा हुआ है। देखिए फल सेटिंग, देखिए ये फल सेटिंग हुआ है, ये फल सेटिंग हुआ है। आप इस साइड में पत्ते का अंदर अंदर देखेंगे तो इधर फल सेटिंग हुआ है। अब सितंबर अक्टूबर दो महीना पूरा रेस्ट जाएगा पौधे। अक्टूबर लास्ट हो जाएगा, नवंबर से फिर से फ्रूट सेटिंग चालू हो जाएगा, जो जनवरी में फल हार्वेस्टिंग होगा। और जनवरी में जब फल हार्वेस्टिंग करते रहेंगे तब नया करके फ्रूटिंग आएगा, जो मई अप्रैल मई महीना में हार्वेस्टिंग होगा। अप्रैल महीना में हार्वेस्टिंग करते करते ऐसा फ्रूट सेट हो जाएगा जो जुलाई अगस्त में फिर से फल सेटिंग होगा। ओके तो वैसा करके तीन चार बार फ्रूट आते रहता है ये वैरायटी में। आज हम आप लोगों को लाइव प्रूफ का साथ दिखाया है। पका हुआ फल में जाएंगे तो दो बार फल आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, तीन बार आपको मिलेगा नहीं। सब्जी में जब आप इसके में से फ्रूटिंग लेंगे तब आप तीन बार का ऊपर फल, तीन से चार बार तक आप ये फल इसमें से ले सकते हैं। सब्जी के लिए फुल्ली परफेक्ट है। और ये फल आप लेके जाएंगे मार्केट में तो यही फल को पहले पसंद करेगा कस्टमर, क्योंकि फल अंदर रहता है, बाहर का धूप वगैरह कुछ भी नहीं लगता। फल देखने के लिए इतना खूबसूरत लगता है यही फल आगे बिकता है। और फल का साइज जो है सब्जी के लिए परफेक्ट साइज है ये। सो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आपके एक लाइक मेरे लिए बहुत कुछ है। कांटेक्ट करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, आप कांटेक्ट कीजिए। और इस फल का कटिंग का वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उस लिंक में क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।